जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुजाता चौधरी से, जो लिखती सुजाता के नाम से, गांधीवादी चिंतक है, लेखिका है, कहानियां लिखती है, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है, बापू और स्त्री। पहले उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर उनका आपका परिचय देता हूँ। जो ये फिल्म बनाई है बापू और स्त्री, उसके 53 मिनट की इस फिल्म को YouTube पर अभी तक 6,000 के करीब लोगों ने देखा है। संवाद कला में यह फिल्म बनी हुई है। तो मैं बापू का जो स्त्री विमर्श है और वर्तमान में जो स्त्री विमर्श चल रहा है, उसके अंदर आप क्या फर्क देखती है, क्या अंतर नजर आता है? बापू का जो स्त्री विमर्श है और जो अभी का जो स्त्री विमर्श है, दोनों में स्त्रियों के प्रति करुणा है, उनके उनकी स्थिति के लिए चिंता है और उनकी बेहतरी के लिए सोच है, और दोनों दोनों चाहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो। तो इसमें कहीं कोई आपस में मतभेद जैसी बात नहीं है, दोनों का पर्पस एक ही है। अब सवाल यह उठता है कि इस बात पे कि गांधी जी को स्त्री विमर्श के लोग कैसे देखते हैं। तो जहां तक मैंने गांधी की वाङ्मय का अध्ययन किया है, उनके 100 खंडों को, और उनसे उस 100 खंडों में से उन्होंने महिलाओं के लिए जितनी भी काम किए हैं, जितनी भी बातें कही हैं, उनको उसको चयन करके मैंने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम है बापू और स्त्री, वो सर्वसेवा संघ से आई है। तो उसमें है कि उस जमाने में, जिस जमाने में लोग स्त्रियों की बातें करना भी जरूरी नहीं समझते थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे जब बापू चंपारण आए तो उन्होंने कहा कि एक चंपारण के बारे में, एक वहाँ की समस्याओं के बारे में आप एक पूरा लिस्ट बनाए, तो उसकी सूची बनाई गई और उसमें सभी समस्याएं थी, जो मजदूरों की, खेती की, नील की, सभी समस्याएं थी, लेकिन स्त्रियों की समस्याओं की कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि क्या यहाँ पर स्त्रियों की कोई समस्या नहीं है। इसका कारण यह था कि उन लोगों ने, स्त्रियों को भी समस्या होती है, उस बारे में सोचा ही नहीं था, उनके सोच में नहीं थी कि स्त्रियों को भी कोई समस्या होती है। वो पर्दे में रहती हैं, या बिना कपड़े के होती हैं, या वो किस तरह से घुट घुट कर घर में मरती हैं या जीती हैं, इन बातों की कोई चर्चा नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में महिलाओं को घर से बाहर निकाला और इस मुख्य धारा जो थी स्वतंत्रता की, उससे जोड़ा। सुभाष बाबू ने कहा था इस बात को देखकर कि महात्मा जी ने जितने काम किए हैं, उसमें से सबसे अधिक मुझे जो प्रेरक लगती है वह है कि उन्होंने कैसे स्त्रियों को, महिलाओं को इस तरह से घर के बाहर लाकर इस आंदोलन से जोड़ दिया। तो उन्होंने, गांधी की सोच थी कि स्त्रियां भी मनुष्य हैं और उससे नीचे न उनसे कम, उनका भी बराबरी का हक है और वो भी वैसी ही है जैसे पुरुष है। उनकी, उनका ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिसमें आप बापू और स्त्री फिल्म में भी देखेंगे कि एक पत्रकार उनसे पूछता है कि स्त्रियों को यदि आर्थिक स्वतंत्रता दे दी गई तो क्या इससे स्त्रियां स्वच्छंद नहीं हो जाएंगी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रति प्रश्न करता हूँ कि क्या पुरुषों को आर्थिक अधिकार दे दिए गए तो क्या सारे पुरुष जो हैं वो स्वच्छंद हो गए हैं? तो यदि ऐसा हो गए हैं तो स्त्रियों को भी हो जाने दो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब लेकिन जो स्त्रियां महात्मा गांधी पर सवाल उठाती हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के उस रूप को नहीं देखा और समझा है कि उन्होंने उन स्त्रियों के लिए कितना कुछ कहा है, सुना है, किया है और सहा है। न सिर्फ गाली, गोली भी खाई है,
क्योंकि जब आप कम जिसको कमजोर समाज मानता है आप उसकी आवाज उठाते हैं तो आपको गाली और गोली दोनों दी जाती है। ये जो आपने फिल्म बनाई बापू और स्त्री, तो इसमें कोई आपको कितना उपलब्धियां प्राप्त हुई या क्या लगा कि ये किस तरह से ज्यादा ज्यादा उपयोगी हो सकती है? जी, दरअसल जब मैंने पिंक पिक्चर आई थी एक जिसमें अमिताभ बच्चन नायक के रूप में थे, तो उसमें एक उस फिल्म की बहुत चर्चा हुई थी कि नो मीन्स नो, जब स्त्रियां मना करती इसका मतलब नहीं होता है। और इस बात को 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कहा था, स्त्रियों के नो का मीन्स नो। तो ये बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक सी लगी कि आज के 100 साल पहले भी ऐसी सोच थी, और फिर जब मैंने उसे देखा तो एक क्रांतिकारी विचार था स्त्रियों के लिए। और जैसे जैसे किसी स्त्री का किसी दूसरे पुरुष के साथ गर्भाधान हो जाना और उसके बाद वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके पति जो हैं उन पे आरोप लगाते हैं, तो उनकी क्या सोच है, जो ऐसी बहुत सारी बातें आप उस फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग 150 साल और 150 साल बाद भी अभी तक शायद वही खड़े हैं। उसके आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है जहां तक गांधी थे। अभी जो महिला पत्र महिला पहलवान है वो धरने पे बैठी, आंदोलन चल रहा है, हालात तो ये कर दिए कि पॉस्को जैसा कानून भी हटा दिया गया उसको, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ। ऐसी स्थिति में बापू होते तो क्या करते, आपको क्या लगता है क्या करते हो? तो इसमें स्त्री विमर्श तो कहीं नजर नहीं आता है। बापू होते तो क्या करते, ये तो हम समझ सकते हैं जो बापू को थोड़ा भी जानते हैं वो क्या करते हैं। अभी अभी उनको उनका सत्याग्रह चलता होता और अभी तक पूरी दुनिया की मीडिया, अब ये नहीं सिर्फ भारत की मीडिया तो अब देख नहीं रही है, तो पूरी दुनिया की मीडिया भी इसको कवर करती होती। और ये जो हमारी वैसी बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, जिनके जो मेडल लाई है ओलंपिक मेडल लाई है, जो भारत को एक पूरे देश को गौरव प्रदान किया है, जब हमारी वैसी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इस देश में फिर सुरक्षित कौन है? और यदि सुरक्षित नहीं है तो फिर स्त्री विमर्श का मतलब क्या है? क्या कोई पार्टी कांग्रेस बीजेपी और आप पार्टी और ये पार्टियां, ये स्त्री विमर्श नहीं है। स्त्री विमर्श का मतलब है कि जहां भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां पर हमें एकजुट होकर खड़े होने की और सभी बंधनों को तोड़कर, चाहे वो जाति का बंधन हो, चाहे वो राजनीतिक बंधन हो, आर्थिक बंधन हो, सभी बंधनों को तोड़कर जो वहां पे नहीं बैठ सकती वो वैचारिक रूप से इस उनको समर्थन दे, तो ही स्त्री विमर्श का कोई मतलब है। नहीं तो कुछ भी किसी के बारे में कुछ लिख देना और किसी के बारे में कुछ कह देना वो विमर्श नहीं है। या हम गांधी के बारे में कुछ कहें और या हम अम्बेडकर के बारे में कहें या हम नेहरू के बारे में कहें या हम किसी और के बारे में कहें, असली विमर्श तो तभी होगा जब जो हमारी पहलवान बेटियां वहां बैठी हैं उनके साथ हम लोग खड़े हों। और ये जो सारे कानून है पास्को और ये सब, ये कानून जब कमजोर दिखने लगता है तो वह देश के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली समय होता है। और लेकिन कानून से भी ऊपर एक कोई और है, वह है भारत के देश की जनता, वह उस पाशकों से भी ऊपर है। और सत्ता को जमीन पर धूल चटाना भी जानती है और उसे ऊपर उठाना भी जानती है। तो मुझे लगता है कि यह गांधी का देश है, यहाँ की लोकतंत्र की बुनियादें काफी गहरी हैं और शायद कानून यदि यह काम नहीं कर पाए तो जनता तो अवश्य करेगी। हाँ, सही बात तो सही है कि वोट मिलेंगे तो, लेकिन जैसे ही वो मतदान होगा और वो
वापस से जीत गए तो फिर स्त्री विमर्श खतरे में भी ऐसे पड़ जाएगा कि पॉस्को कानून भी खतरे में पड़ जाएगा। जमीनी स्तर पर तो ये कहा जाएगा कि नाबालिगों का जो यौन शोषण है वो भी, या खेल में भी महिलाओं की भागीदारी कम होगी, ऐसा आपको भी लगता है जब इस तरह से सजा नहीं होगी तो? जी, मुझे तो सबसे सबसे जिस बात से डर लग रहा है वह यह है कि हमारी जो बेटियां हैं अब घरों में रोक दी जाएंगी। अब उन्हें उनके माँ बाप जो बहुत मुश्किल से एक ऐसी धारा तैयार हुई थी, एक ऐसी स्थिति बनाई गई थी जिसमें बेटियां खेल सके, इसका इसके लिए बहुत मेहनत लोगों ने किया है और उन लोगों ने उस मेहनत को साबित किया है गोल्ड मेडल लाकर। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो अब इतना इतना आप ही बताएं, आप पता नहीं आपकी पुत्री है या नहीं, लेकिन आपको पता चले कि जब ब्रजभूषण जैसे लोग मेरी पुत्रियों का संरक्षण देने वाले हैं तो क्या आप अपनी पुत्रियों को वहां भेजेंगे? सही बात। मुझे नहीं पता कि कोई भी माता पिता ऐसे संरक्षक के पास अपनी पुत्रियों को खेल के लिए भेजेंगे। और यह एक ऐसा, और उसके बाद हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ की बात करते हैं, वो और जो जो कहते हैं कि आप हमारी बेटी हैं, और उन बेटियों को के बारे में 6 महीने में प्रधानमंत्री ने मुख नहीं खोला है। अब आप हम जैसे साधारण लोग किसी को बेटी बोल देते हैं तो उसकी अश्मत के लिए, उसकी इज्जत के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं कि इसके ऊपर कुछ आंच ना आए। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी बेटी उनको जाकर सारी विपदा सुनाई है और उनका अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, कोई टिप्पणी नहीं, कोई टीका नहीं, और एक्शन की तो बात हटा ही दे। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी बेटियां जो हैं वो निराश हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, और देश शायद पता नहीं इस साल कोई मेडल लाने की स्थिति में होंगी या नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता। ये बहुत ही निराशा का समय है, ये जो समय है ये नैराश्यपूर्ण है। और इसके लिए दुख की बात ये है कि उस तरह का जो जन आंदोलन होना चाहिए था, जिस तरह से लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए था, वो चाहे जिस कारण से ना आया हो, मीडिया के कारण से, या हमारा समाज जातियों के नाम पर बटा हुआ हो, या राज्य के नाम पर बटा हुआ है, या स्त्रियों को और डॉक्टर बनाना है, जिस कारण से हो, लेकिन ये गहरी साजिश है और उसका शिकार पूरा भारतवर्ष हो रहा है। और आपका परिचय देखो, आपने दो विषय में एमए किया है, राजनीति शास्त्र और इतिहास में, LLB है कर रखी है, PhD कर रखी है, और पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रखा। आपकी करीब 23 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई है, जिसमें से ज्यादातर पुस्तकें वो गांधी दर्शन पे, जिसमें महात्मा का अध्यात्म, बापू और स्त्री, गांधी की नैतिकता, राष्ट्रीयता और नेताजी, राष्ट्रपिता और नेताजी, राष्ट्रपिता और भगत सिंह, बापूकृत बाल पोथी, चंपारण का सत्याग्रह, सत्य के दस्तावेज, ये साथ में 100 साल पहले चंपारण का गांधी, नुआखली एक व्यक्ति की विजय यात्रा, इसमें उपन्यास कहानी भी सम्मिलित है। इसके अलावा आपने कुछ उपन्यास इस तरह से लिखे हैं, दिल का क्या करूं, कश्मीर दर्द का सैलाब, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही, मैं प्रथा, नीलांचल चंद्र, तेन त्यक्तेन, और अन्य में धार्मिक पुस्तकें, संक्षिप्त श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य देव, और प्रकाशन होना प्रकाश्य है, कहाँ है मेरा घर, कविता संग्रह सरदार पटेल। ये जो कविता संग्रह का जिस नाम पड़ा मैंने, कहाँ है मेरा घर, तो मुझे लगा कि ये भी शायद स्त्री विमर्श को लेकर के ही कुछ बात कही जा रही कि स्त्री का घर कहाँ है,
बचपन में शादी नहीं होती तो पिता का घर, फिर पति का घर, फिर बेटे का घर, तो स्त्री का घर कहाँ है, इस तरह की सोच से लिखा गया है क्या? जी, ये तो आप हम सब अपने आसपास में देखते हैं कि जब बच्चियों का जन्म होता है तो उन्हें कहा जाता है तुम्हें अपने घर जाना है। जब वो अपने घर में पहुंचती हैं तो ससुराल में कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर से क्या लेके आई हो। और पूरे पूरे जीवन में कभी पति का घर, कभी पिता का घर, उनका अपना घर तो होता नहीं है। वो अपने घर को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को भी कितनी बार दंभ में जाना पड़ता है। वो चाहती कुछ है, बोलती कुछ है, उनको कहना कुछ और पड़ता है। अब सोचिए, अब स्त्रियों से ये आशा की जाती है कि वो अपने माता पिता से अधिक अपने पति के माता पिता से प्रेम करें या उनकी सेवा करें। दोनों बीमार हों, यदि उसके भी माता पिता बीमार हो और पति के भी माता पिता बीमार हो, तो स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वो पहले अपने पति के माता पिता को देखें। और क्योंकि वो उनका घर है, और उनका घर वो तब नहीं रहेगा जब वो उनकी सेवा करना छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करेंगी। तो इतनी जैसे जिसको प्रकृति ने कमजोर बनाया है ऐसा हम मान लेते हैं, ये जिसको हम कमजोर समझते हैं उससे हम बहुत ऐसे मांग करते हैं, ऐसे डिमांड करते हैं जो अननेचुरल होता है पूरी तरह से। वो एकदम नैसर्गिक मांग उनसे नहीं होती है। तो स्त्रियों से की भी आप पूरे जीवन को यदि देखते हैं, उनके उनसे जो हम डिमांड करते हैं वो कितना अननेचुरल होता है। सभी सभी तरह से, या हम बेटी के रूप में हो या हम पत्नी के रूप में हो, तो हमारी हमारी जो बहुत सारे उपन्यास हैं उसमें स्त्री, जैसे क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही, वो वाणी प्रकाशन से आई है, वो वृंदावन की विधवाओं की कहानी है, जो एक विधवा महिला की कहानी है जो पूरी जीवन वो क्या संघर्ष करती है, सिर्फ जीने के लिए संघर्ष, पूरी जिंदगी सिर्फ जीना ही। स्त्रियां जो जी रही हैं वो भी अपने आप में एक चमत्कार ही है, उसको चमत्कार से कम आप नहीं कह सकते हैं, जो स्थिति है, जो हालात है। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि मुझे एक बहुत अच्छे शालीन व्यक्ति ने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ यदि मैं स्त्री होता तो मैं सुसाइड कर लेता। तो वो संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने कोई हंसी मजाक में ये बात नहीं कही, उन्होंने इस बात को महसूस किया। तो हमारी ये सोच है कि जब इतना हमारे माहौल इतना खराब है हमारे लिए, तो ये स्त्री विमर्श की जो सारी बातें हैं उस पर सबसे पहले जीने की बात होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो क्या, सभी मिलकर, सभी, मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ सभी स्त्रियों को कि अभी सारी जो बातें हैं उनको पीछे रखकर अभी अपनी पहलवान जो बेटियां हैं, चाहे वो विघ्नेश फोगाट हो या साक्षी मल्लिक हो या और भी जितनी भी बेटियां हैं, या जो नाबालिग हैं जिन्होंने डर के मारे अपना केस भी वापस लेने की बात सुन रही हूँ, उन सब के पीछे खड़े होने की जरूरत है। यदि हमें सर्वाइव करना है, यदि स्त्री विमर्श को कहीं ना कहीं जीवित रखना है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण घड़ी अभी है। और यदि अभी चूक गए तो स्त्री विमर्श सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा, उसको यहाँ तक आने में काफी समय लग जाएगा। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। जब भी गांधी जी की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, तो उनका जो हिंदू धर्म के बारे में जो विचार है, मतलब मेरा ऐसे पढ़ने में आया, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे लेख पढ़ता रहता हूँ, मुझे लगा कि जो गांधीवादी है वो महात्मा गांधी के जो हिंदू धर्म को लेकर के जो विचार है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, या वास्तव में गांधी का जो हिंदू विचार है वो भी लोगों के बीच में है? जी, मैंने गांधी का जो संपूर्ण बांग्मय है, गांधी संपूर्ण बांग्मय 100 खंडों में, उसमें से गांधी जी का धर्म को लेकर क्या विचार था और उनकी क्या धारणा थी,
और भी सारी बातों को मैंने महात्मा के अध्यात्म में उसको डाला है, और महात्मा की वाणी के नाम से उनके जन्म दिवस के 150वीं जयंती पर मैंने 151 यूट्यूब पर 151 वीडियोस बनाया है, जिसमें कि वो धर्म के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी। और धर्म को लेकर हम आप सब जैसे सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि महात्मा गांधी भी वैसे ही सोचे या जो और दूसरे लोग वैसे ही सोचे, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो महात्मा गांधी की सोच थी कि उन्हें हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था थी, लेकिन साथ ही साथ उनकी उतनी ही आस्था इस्लाम में भी थी, उतना ही सम्मान के मन में ईसाई के लिए भी था, बौद्ध के लिए भी और जैन के लिए भी। हम देखेंगे उनके पूरे जीवन चरित्र में कि बहुत सारे सभी धर्मों के जो अनुयायी थे, सभी धर्मों के जो अनुयायी जो उस धर्म के मास्टर थे, उन लोगों की इच्छा थी, उन लोग ऐसा सोचते थे और अपने भाषणों में कहते थे, जैन कहते थे गांधी जी तो जैन है ही, उन्होंने सिर्फ घोषणा की है। बौद्ध कहते थे कि वो बुद्ध के अवतार ही है, वो बौद्ध ही है, और उन्होंने केवल घोषणा नहीं की। ईसाई तो कहते थे कि अंदर अंदर मान चुके हैं, और इस्लाम वाले भी इसी तरह का दावा करते थे, लेकिन गांधी कहते थे कि मैं यह जानता हूं कि असली हकीकत क्या है, मैं यह जानता हूं कि किसी जल को वाटर कहें, पानी कहें, जल कहें, वो एक ही चीज है। तो इसके लिए उन्हें किसी धर्म को बदलने की जरूरत पर उन्होंने कभी भी बात उसका उन्होंने विरोध ही किया है कि किसी को धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहकर सभी धर्मों का सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों का सम्मान और श्रद्धा के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन उनका कहना था कि चूंकि मैं एक हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे लिए राम कहना सहज है, राम कहना मेरे लिए सहज है, क्योंकि बचपन से मैंने राम का नाम सुना है, और मेरी दासी रंभा नाम की दासी ने मुझे बचपन से कहा कि तुम राम का नाम जपो, और मैं उस दिन से राम नाम जप में लगा। तो जिसका जिसकी जिसमें सहजता है, वो सहजता वो उस तरह से करे। तो ये उनकी सोच थी धर्म को लेकर। जहां तक हिंदू धर्म की बात जो आपने की, तो वो जो उनकी जो सोच थी कि हिंदू धर्म के जो जो उसमें अंधविश्वास है, जो उसमें पाखंड है, जो उसमें ऐसी बातें आ गई हैं जिनको सफाई होनी चाहिए, उसके लिए भी प्रयत्नशील थे। जैसे उनका कहना था कि यदि कोई इस्लाम के बारे में बोलता था, उनकी कुरूतियों के बारे में बात करता था, या ईसाई धर्म का, तो वो उनका कहना था कि जैसे पहले हम अपने घरों को साफ करते हैं, यदि मेरा घर गंदा होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो उसी तरह से इन कुरूतियों को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें की है, जिससे जिसका लेकिन ये मतलब कदापि नहीं है कि वो धर्म विरोधी थे। उनका वो धर्म से अलग, आज का जो धर्म है, आज जो धर्म की बातें हो रही हैं, और महात्मा गांधी की जो धर्म की बातें हैं, उसको हम थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो धर्म है, इसको हम तीन मंजिली इमारत की तरह देखें। सबसे नीचे वाली जो इमारत है वो बेसमेंट में है, और बेसमेंट में क्या है, वहां पे अंधेरा है, गंदगी है, वहां पर हिंसा है, क्रूरता है, अंधविश्वास है और पाखंड है। वो जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पीला है, हरा रंग है, भगवा रंग है, मंदिर है, मस्जिद है, पूरब है, पश्चिम है, कुरान है, ये सब बातें हमारे ग्राउंड फ्लोर में है। और उससे ऊपर जो फ्लोर है उस पर सुवासित हवा बह रही है, सुगंधित हवा है, और पूरा वातावरण बहुत सुंदर है। वहाँ पे करुणा है, दया है, क्षमा है, सब धर्म संभाव है, सभी जीवों के प्रति उतना ही प्रेम है। वहाँ पर यह समझा जाता है कि एक ही ईश्वर ने सभी को बनाया है, उस नाते सारी दुनिया से मैं प्रेम करता हूँ, और सारी दुनिया मेरी है, मेरी परमात्मा ने बनाया है, मेरे गॉड ने बनाया है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, और इस नाते
सभी मेरे अपने हैं और सभी मेरे भाई बहन हैं। अब नीचे की मंजिल में रहने वाले लोग, बेसमेंट में रहने वाले लोग उनको नहीं देख पाते, उनको नहीं समझ पाते कि वो है क्या चीज, और जब देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते तो उनकी हत्या कर देते हैं और पूरी दुनिया को एक ऐसे महान चिंतक से, एक ऐसे महान व्यक्ति से महरूम कर देते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि हमें गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, दर्शन है, उसको सोशल मीडिया पर उस ढंग से नहीं प्रस्तुत कर सके जैसा उनके विरोधियों ने उनकी जो नकारात्मक छवि बना दी है, उनके बारे में बहुत ज्यादा नकारात्मक लिखा जा रहा है। तो गांधी जो दर्शन के मानने वाले हैं, विचारक है, वो उनका सकारात्मक पक्ष है वो प्रस्तुत नहीं कर सके या उसको विस्तार नहीं, प्रस्तुत तो करते भी है लेकिन उसका विस्तार नहीं हो सका, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, मुझे लगता है कभी कभी ये कितनी शर्मनाक बात है कि जब आप विदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तब आपके बारे में लोग कहते हैं कि गांधी के देश से आप लोग आए हैं। जब हमें कहा जाता है कि गांधी ईशा और बुद्ध की पंक्ति में बैठे हैं, जब हमें कहा जाता है कि वो उस वो दुनिया के अलौकिक व्यक्तियों में से एक थे, उनके बारे में कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा, उन्होंने सत्य और अहिंसा रूपी हथियार उन्होंने पूरी दुनिया को दिया और एक राजनीतिक लड़ाई लड़कर एक नया संदेश दिया, तो जब हम इन सब बातों को सुनते हैं और ये सोचते हैं कि इस हजार साल में, इस इतने सहस्त्रावधि के जो सबसे बड़े महानायक हैं हिंदुस्तान के, सबसे बड़े महानायक हैं जो भारत के, उनकी हम भारतवासी हैं, चाहे वो किसी को मानता हो, किसी भी पार्टी का हो, मुझे नहीं इतराज है, जब लोकतंत्र है पार्टियां दो तीन चार होती रहेंगी, वो किसी को भी माने, वोट के लिए कुछ भी बोले, लेकिन जैसे अपने राष्ट्रध्वज का अपमान करना राष्ट्रद्रोह है, अपने देश की संपत्ति को नाश करना राष्ट्रद्रोह है, तो हमारे भारत के इतने बड़े आइकॉन, इतने बड़े महानायक को, उनके व्यक्तित्व को तोड़ना मरोड़ना क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या हो जाता है कि आपको ईश्वर ने एक कृपा करके इतनी बड़ी धरोहर दी और उस धरोहर को पूरी दुनिया पूज रही है, पूरी दुनिया मानती है, और आप कहते हैं गांधी ऐसा था, वह स्त्रियों के साथ बैठता था, वह स्त्रियों के कंधे पर हाथ रखता था। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उस जमाने में जब बेटियां एक तरफ उपेक्षित किसी कोने में पड़ी रहती थी, उस समय बापू ने लड़कियों की पुत्रियों के कंधे पर हाथ रखकर दुनिया को यह संदेश दिया कि केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी बुढ़ापे की लाठी है। मुझको उस बात को, जिस स्त्रियों को उन्होंने घर से बाहर लाने के लिए गाली और गोली खाई, उन स्त्रियों के द्वारा ही जब मैं देखती हूँ कि उनके पुतले बनाकर उन पे गोली चलाई जाती है, तो मैं सोचती हूँ हा हतभाग हमारा देश, हा हम हतभाग हम औरतें, जो यह भी नहीं समझते कि जिनके तरफ खड़े होकर हम गोलियां चला रहे हैं, वे हमें अंधेरे की काल को ठड़ियों में फेंक देना चाहते थे, वे हमें मनुष्य समझने को तैयार नहीं थे। सही है। तो इस बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है। वातावरण को, हमारा जो देश की जो वैल्यूज है उसको तो हम छोड़ते जा रहे हैं, और अगर गांधी को अगर माइनस करके बात करेंगे तो फिर देश में बात क्या करेंगे, आजादी के आंदोलन में भी क्या बात करेंगे और देश के लिए भी क्या बात करेंगे, देश की परंपरा, संस्कृति, प्राचीनता, उसके बारे में भी कैसे बात करेंगे। ये तो बहुत, ये लोगों, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोच रहे हैं बस गांधी को खत्म कर दो। दरअसल गांधी की हत्या के बाद, उन लोगों ने सोचा होगा कि शायद गांधी अब की हत्या हो गई, अब काम तमाम हो गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो और भी मजबूत होकर भारत को छोड़कर, भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया में
सबसे अधिक जिनके जिनकी मूर्तियां देशों में बनी, जिनके ऊपर सबसे अधिक डाक टिकट जारी हुए, जिनके जिनको इस शताब्दी में सबसे अधिक सम्मान दिया गया। जब ओबामा से पूछा गया कि राष्ट्रपति ओबामा से जब पूछा गया कि आप किस व्यक्ति के साथ आपकी महत्व की अभिलाषा होगी कि मैं उनके साथ डिनर लेता, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के साथ। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि ऐसी उनकी महिमा जो है वो बढ़ती जा रही है, तो वो तरह तरह से उनके चरित्र हनन करने तक का उन्होंने प्रयास किया। जिस गांधी को उनके दुश्मन भी मानते थे कि वो सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति है, गांधी का मतलब सत्य होता था, वो उस समय के जिन्होंने उनकी हत्या भी की है वो भी इस बात को मानते थे कि सच्चाई का पुतला है। वो बात भले ही उनके मन में और दूसरी बातें नहीं हो स्त्रियों को लेकर, स्त्रियों को आगे कर रहे हैं क्यों, अब ये बात हालांकि नहीं कही जाती है, लेकिन सही बात तो यही थी कि स्त्रियों को बाहर आगे लाने की बात थी, दलितों को आगे लाने की बात थी, अब एक केवल एक मुस्लिम की बात भी होती है। और इन दोनों बातों को आजकल दबा दिया गया है, क्योंकि स्त्रियां भी आजकल आगे बढ़ रही हैं, हमारे दलित भाई बहन भी आगे बढ़े हैं, तो उन बातों को की चर्चा आजकल नहीं होती है। लेकिन गांधी के ऊपर जो प्रहार हुए, जो उनको जो कितनी बार जो उनको मारने की कोशिश की गई, उस समय मुस्लिम का सवाल नहीं था, सवाल तो ये दोनों ही था। तो हम देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं, जब आज वे लोग ये हिम्मत नहीं कर सकते हैं इन बातों को स्वीकार करने की कि हाँ गांधी वो काम गलत करते थे, तो अब जिन स्त्रियों के बारे में, अब स्त्री विमर्श को भी लेकर सोच लें कि गांधी बहुत बड़े हैं, उस आसमान में चांद और सूरज की तरह हैं, उन पर थूक फेंकने वाले का गंदा हो जाएगा अपना खुद का मुख। लेकिन जिन स्त्रियों की वो बातें करते हैं, वो स्त्रियां उस जमाने की बहुत ही प्रभावशाली स्त्रियां, आज जो स्त्री विमर्श की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों से कहीं अधिक वो मजबूत थी, कहीं अधिक मजबूत ढंग से वो देश की सेवा कर रही थी। आज उन स्त्रियों के बारे में भी क्या कहा जा रहा है, यह स्त्री विमर्श के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि गांधी के बहाने तुम उन सारी स्त्रियों को किस में लाकर खड़े कर रहे हो। गांधी और नेहरू की बात हटाओ, उन स्त्रियों को तुमने क्या समझा है, उन स्त्रियों के बारे में तुम लोग क्यों नहीं खड़े होते हो, हम स्त्रियां क्यों नहीं बात कर रही हैं, कि आप उन स्त्रियों को क्या समझ रहे हैं। तो मुझे इन बातों को देख कर लगता है कि शायद हम पीछे की ओर ढकेले जा रहे हैं, शायद जो साजिश है कि हम किसी न किसी बहाने से हम पीछे जाएं, चाहे ब्रजभूषण सिंह जैसे खेल के संरक्षक हों या और भी सारे लोगों को आगे लाकर स्त्रियों को पीछे धकेलने की एक कोशिश है, जिस कोशिश में हम बटकर रोक नहीं पाएंगे और वो आगे शायद बढ़ जाएं। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। जी डॉक्टर साहब, आपकी पुस्तक ही आई है जो राष्ट्रपिता और भगत सिंह, आजकल तो भगत सिंह को भी भगवा कर रहे हैं, जबकि भगत सिंह तो खुद को नास्तिक ही मानते रहे और लेनिन के ही पूजक रहे, और उन्होंने स्वयं तो कभी उनको कई बार कहा कि आप, उनके पिताजी तक ने कहा कि आप चिट्ठी लिख दो और माफी मांग लो और जेल से बाहर हो जाओ, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह के जो विचार के व्यक्ति है, उस तरह के उनको भी जब आज भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे उनका चित्र तो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, उनके विचारों का कोई महत्व नहीं रहा, ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी, भगत सिंह के बारे में तो ऐसी बातें हो ही रही है, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि भगत सिंह के जो खिलाफ जो वकालत में जिसने वकालत की थी, जिस व्यक्ति ने, वो कहां से जुड़ा हुआ था आप जानते हैं शायद। तो भगत सिंह शायद नास्तिक थे और ऐसा वो लोग सोचते होंगे, इसके कारण भगत सिंह के उस समय खिलाफ होंगे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन याद कह रहे हैं कि भगत सिंह के हाथ में जो अंतिम पुस्तक थी
वो लेनिन की पुस्तक नहीं होकर के भगवत गीता थी, ये तक तो पोस्टर डाली जा रही है। जी वो लेनिन को ही अपना भगवान मानते थे भगत सिंह, हाँ। उन्होंने पूछा है उन्हें अपना भगवान। तो वो भगत सिंह के बारे में जितनी बातें हैं जो भ्रम फैलाई गई है, वो जैसे कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते और गांधी ने नहीं चाहा तो भगत सिंह को बचाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैंने ये भी एक किताब लिखी है, ये वाणी प्रकाशन से आई है, राष्ट्रपिता और भगत सिंह। और एक किताब और है सत्य के दस्तावेज, उसमें महात्मा गांधी पर ये जो 8 आरोप लगाए जाते हैं उन 8 आरोपों को एक नाटक के रूप में लिखा गया है। और उसमें वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता हैं। वादी अधिवक्ता जो हैं वो सारे आरोप लगाते हैं, जो आरोप आज सब यूनिवर्सिटी में और जहाँ तहाँ लगाए जा रहे हैं उन सारे आरोपों को उसमें लगाया गया है। और प्रतिवादी अधिवक्ता जो है उन आरोप के बदले वो फैक्ट्स लाता है, और वादी अधिवक्ता के पास फैक्ट्स नहीं है, उनके पास अफवाह है, ऐसी अफवाह जो जिस पर उन्हें विश्वास है कि यदि 100 बार बोली जाए तो वो अफवाह सत्य बन जाएगी, ऐसे अफवाह है जिस पर उन्हें विश्वास है। और उस मैं कालांतर में सोच रही हूँ अगले साल कि उन 8 आरोप की जो नाटक है उस पर मैं फिल्म बना सकूँ। और इसके ऊपर कर रही हूँ कि वो सुभाष बाबू को कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, गांधी ने उन्हें हटा दिया, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसको लेकर। राष्ट्रपिता और नेताजी जो किताब है वो महात्मा गांधी और नेताजी के ऊपर है, जिसमें नेताजी और गांधी जी के बांग्मय के ऊपर वो आधारित वो पुस्तक है। दूसरे किसी की बातें उसमें नहीं ली गई है, ताकि उनकी ही दोनों की बातें उसमें रखी जा सके आमने सामने, और हम देखेंगे कि दो महान महान भारत माता के दोनों सपूत वो किस तरह से देश से प्रेम करते हैं। बस अंतर केवल इतना है कि गांधी देश के लिए सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ सकते हैं, और सुभाष बाबू देश के लिए कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, बस फर्क इतना ही है। और गांधी को सत्य और अहिंसा के लिए जो नहीं छोड़ने की जो बात है उसके ही कारण, उसी को देखते हुए नेताजी ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था, क्योंकि आजादी मिल जाती उसके बाद देश में सत्य और अहिंसा का की प्रतिष्ठा बढ़ती, तो इससे हमारा देश मजबूत होता, ऐसी बापू की सोच थी। और इसी सोच को देखकर राष्ट्रपिता का संबोधन नेताजी ने किया था। महात्मा जी ने तो भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कई पत्र भी लिखे और बहुत सारा संवाद किया, और लेकिन बार बार सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि जानबूझकर के महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी होने दी, वरना इरविन को कह करके भी छुड़वा सकते थे। इस तरह की जब बातों का क्या कैसे जवाब दिया जाए, जबकि जो प्रश्न उठाने वालों को तथ्य ही नहीं पता कुछ। जी ये नेताजी ने अपने बांग्मय में लिखा है, उनका नेताजी का बांग्मय है 8 खंडों में, तो उस बांग्मय में उन्होंने लिखा है कि उसपे एक पंक्ति है, मैं उस पंक्ति को ऐसे ही आपको बता रही हूँ। उसपे लिखा है कि महात्मा जी ने भगत सिंह को बचाने की जितनी कोशिश करनी चाहिए थी उतनी कोशिश की, और एक बार भारत के जनमानस को ऐसा लगा कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाएगी। और आगे लिखते हैं सुभाष बाबू कि ऐसा पूरे देश में प्रसारित होने दिया गया कि महात्मा जी चाहेंगे तो फांसी रुक जाएगी। और इसमें अंग्रेजों की यह चाल थी कि चूंकि कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था, तो अंग्रेजों की यह चाल थी कि कांग्रेस अधिवेशन के ठीक पहले भगत सिंह को फांसी देने के डेट से भी पहले उनको फांसी दे दी जाए, ताकि जब कांग्रेस अधिवेशन हो तो जो भारत के युवा हैं वो इस बात पर अड़ जाएं और कांग्रेस टूट जाए, और ये जो सिलसिला है मुझे देश से बाहर भेजने का ये रुक जाए। सुभाष बाबू लिखते हैं कि मैं इस चाल को समझ रहा हूं और इसी कारण से मैं चुपचाप हूं, क्योंकि अंग्रेजों की चाल है। चूंकि नेताजी भारत माँ के सपूत थे, वो देशभक्त थे,
इसके लिए उस चाल को समझ रहे थे और उस बात को लिख रहे थे। लेकिन जब इन्हें नेताजी की बात भी नहीं सुननी, तो इन्हें इस्तेमाल करना है, जो बात इनके फेवर में लगती है उस बात को भी, सीधे फेवर में तो कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसको तोड़ मरोड़ कर उस बात को अपने सामने लाना है। तो ये है इनकी एक असत्य के प्रति जो एक बड़ा भ्रमजाल फैलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत बातें होती रहेगी, लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है ऐसा नहीं है। हम और आप, किसी को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। डॉक्टर साहब ने राष्ट्रपिता और नेताजी की पुस्तक लिखी है, दोनों के बीच में वैचारिक अंतर तो था, लेकिन नेताजी वो फिर भी महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहते थे, तो जो उनको लेकर के, दोनों को लेकर के जो मतभेद है वो ज्यादा उभारे जाते हैं बार बार, उसका कैसे जवाब दिया जाए कि दोनों के अंदर एक दूसरे का के प्रति सम्मान भाव तो था ही, दोनों एक दूसरे का आदर भी करते ही थे। आदर नहीं करते थे, बहुत आदर करते थे। नारायण भाई देसाई ने की मैं कथा सुनी थी, वो छोटे थे, छोटे मतलब 18-19 साल के, सुभाष बाबू जब सेवाग्राम आश्रम गए थे तो भी गांधी जी को जब प्रणाम करते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत प्रणाम का मतलब जानते होंगे, सो के सो जाते थे और उस तरह से प्रणाम करते थे। और सुभाष बाबू ने लिखा है कि मैं पूरी दुनिया के लोगों का, पूरे देश के लोगों का दिल जीत लेता हूँ और उनका विश्वास प्राप्त कर लेता हूँ और उन्हें खुश कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस सदी के सबसे महानतम और पवित्र व्यक्ति का विश्वास नहीं जीत पाता हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसी सुभाष बाबू की लाइन, उनकी पंक्ति है, वो हटा दीजिए। बाद में जब सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज की स्थापना की और जब उन्होंने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड रखा, उसके बाद की बात है कि उन्होंने, उनका एक दस्तावेज है, आप उसको जरूर पढ़ेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि एक अध्यादेश लाते हैं और अध्यादेश में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि गांधी की निंदा करता है तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। ये उनके मरने के कुछ दिन पहले की बात है, उनके शहीद होने के कुछ दिन पहले की बात है, उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले की बात है जब उन्होंने ऐसी बात कही और सो कॉज नोटिस दिया है जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने दस्तावेज भी लाया था, वो भी अभी आज उपलब्ध भी है। तो सुभाष बाबू जब सोचते हैं कि हिंसा के रास्ते और हिटलर से दोस्ती करके भी देश को आजाद कराया जा सकता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुम्हारा वैसे ही इंतजार करूंगा जैसे एक पिता अपने पुत्र का इंतजार करता है कि तुम लौट आओगे। और जब वो हिटलर के पास जाते हैं और हिटलर उनकी जिस तरह से उनका अपमान करता है और जिस तरह से उनसे बातें करता है कि 200 साल तक तुम्हारा देश आजाद नहीं हो सकता है, और उनको जो फील होता है, तो यहाँ पे सहाय फैमिली, नाथनगर में एक सहाय फैमिली थे, आनंद मोहन सहाय, जो बाद में जो आजाद हिंद फौज में अच्छे पद पर थी, उनकी उनकी पुत्री आशा सहाय जी, वो सेकेंड लेफ्टिनेंट थी उसमें झांसी ईरानी रेजिमेंट में, तो उन्होंने खुद बताया कि सुभाष बाबू जब लौट कर आए और आशा सहाय की जो माँ थी वो चितरंजन बाबू की भांजी थी, और चितरंजन बाबू जो थे, चितरंजन दास जी, वो नेताजी से सबसे नजदीक माने जाते थे, तो उनकी भांजी थी, तो इस परिवार से भी सुभाष बाबू का बहुत नजदीकी संबंध था। तो उन्होंने आशा सहाय कहती हैं कि उनकी माँ के सामने सुभाष बाबू ने कहा, मैं नफरत करता हूँ हिटलर से, मैं नफरत करता हूँ हिटलर से, उन्होंने कांपते हुए कहा, और यह भी कहा कि वह हिंसा के लिए हिंसा करता है, मैं हिंसा करने के लिए जो आया वो देश को आजाद कराने के लिए, हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं अगर नहीं रहूं तो तुम लोग सब भारत लौट जाना और महात्मा जी के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलना, अपने देश में कभी हिंसा मत करना।
डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बड़े गांधीवादी से मिला, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि गांधी दर्शन और कांग्रेस दोनों को अलग 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 रख करके सोचने की जरूरत है। तो कैसे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दोनों को अलग करके भी कोई बात की जा सकती, जो कि क्योंकि है ना आजकल राजस्थान में शांति अहिंसा निदेशालय बना करके बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं गांधी विचारों को, लेकिन जो लोग आते हैं उन कार्यक्रमों वो ज्यादातर कांग्रेस ही होते हैं। इन दोनों को अलग करके देखा जा सकता है क्या, गांधी दर्शन को और कांग्रेस को? मेरी तो सोच इससे अलग है। मैं सोचती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश की समस्त पार्टियां, समस्त पार्टियों को गांधी दर्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहां से उनके एक आदर्श व्रत की जो बातें हैं उनको अपने अपने जीवन में, अपने अपने दलों में, अपने अपने विचारधाराओं में स्थान देना चाहिए और सभी के लिए यह अच्छा होगा। और इससे इससे यह भी होगा कि गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, गांधी किसी पार्टी के नहीं है, किसी दल के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो राष्ट्रपिता हैं और पूरी दुनिया के हैं। जब मैं जिनेवा गई थी और गांधी जी की मूर्ति को देखकर जब मैंने कहा अरे ये तो हमारे गांधी यहाँ, और यूनिक उस ऑफिस के आगे एक मात्र उन्हीं की विशाल मूर्ति को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य कर उठा, तो एक अंग्रेज ने वहां पे कहा ये आपके गांधी नहीं, ये पूरी दुनिया के हैं। तो ये तो एक तरह से पूरी दुनिया के हैं। हम उस गांधी को वो कांग्रेस वाले यदि मानते हैं तो भी अच्छा, नहीं मानते हैं तो भी अच्छा, और जो मानते हैं वो अच्छी बात है, उनको क्यों हटाया जाए? कांग्रेस तो माने ही माने, जब उनको पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं तो हमारे देश के सभी विचारधाराओं के सभी दलों के लोग उनकी बातों का केवल चित्रण लगाएं, कांग्रेस हो या बीजेपी कोई भी, उनके उनको इस्तेमाल न करें, उनकी विचारधाराओं पर जैसे मानने को। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इतना मानते हैं कि जब बराक ओबामा जी को जब वो देने जाते हैं गीता, तो वो दूसरी गीता नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि गांधी की गीता को ही देकर मैं अमेरिका जाता हूँ तो वहां पे गांधी की गीता ही चलेगी, उसी अनाशक्ति योग को वो उनको प्रेजेंट करते हैं, वो भी गांधी की ही बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी इतना संकीर्ण गांधी को नहीं बना देना चाहिए। हम तो ऐसा चाहेंगे और ऐसा सोचते हैं कि दुनिया के लिए ये सबसे अच्छी बात होगी, पूरी दुनिया उन्हें अपनाए। उनकी मृत्यु के 10 महीने बाद आइंस्टाइन ने कहा था कि बहुत देर हो चुकी है, अब और अधिक देर मत करो, गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलो, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। तो जब वो पूरी दुनिया को गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं और हम इतने संकीर्ण हो जाए कि वो कांग्रेस को उसके दर्शन से, गांधी दर्शन को अलग करें, उसको अलग करें, वो अलग कहाँ है? गांधी दर्शन, गांधी विचार वो तो जन जन और कण कण में फैला हुआ है और उनका नाम लेकर जो कोई भी बात करते हैं, जो ग्रामोत्थान की बात करते हैं, जो अंतिम जन की बात करते हैं, भले ही उसके लिए किसी और नेता का नाम का उपयोग करते हैं, सही बात तो यही है कि वो गांधी की बातें हैं। गांधी की बातें दूसरे नेता के नाम पर भी चलाए जा रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियां भी कोई कोई ऐसी बातें हैं गांधी जी की बातें जो वो किन्हीं और के नाम पर बात कर रहे हैं। आजकल जो जैसे कि साबरमती का आश्रम है उसको भी मॉडरेशन कर रहे हैं, और अभी पढ़ने में आ रहा है कि वाराणसी में जो सर्व सेवा संघ का कार्यालय है इसकी जमीन है उनके ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। तो देश भर में बहुत सारी संस्थाएं गांधी की और बहुत सारा संपत्तियां हैं और बहुत काम भी कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है गांधी दर्शन को। तो ये एक वैचारिक आक्रमण की तरह लिया जाना चाहिए कि कुछ लोग है वो योद्धाबद्ध तरीके से गांधी जी की जो स्मृतियां उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी ये बहुत ही दुखद विषय है और भले ही अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन इससे हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है या आने वाली पीढ़ियां समझ भी नहीं पाएंगी कि किसने देश को ये खोखला कर दिया। अभी बनारस की जो घटना है वह भी बहुत दुखद है
जिसमें उस संस्था को जिसके पीछे जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी शायद नहीं थे उस समय, और राजेंद्र बाबू और बहुत सारे उस समय के जो पुरोधा लोग थे देश के, उन लोगों ने इस संस्था को बनाया है और उसको इस मुकाम पर पहुंचाया है, और संस्था ने देश हित में बहुत सारे काम किए हैं। आज उनको हड़पने की कोशिश हो रही है, और अब सरकार ही, दुखद बात यह है कि जब कोई गुंडा, जब कोई मवाली, जब कोई दूसरा व्यक्ति इन संस्थाओं पे हड़पना चाहता तो सरकार को आकर बचाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ही हड़पना चाहती है, सरकार की साजिश ऐसी है, यह इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। और लेकिन देश धीरे धीरे सुलग रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। सरकार अभी समय रहते इसका कोई ना कोई हल नहीं निकाली, इस धरोहर को बचाने में के लिए आगे नहीं आई, तो इसका परिणाम हम सब भुगतेंगे, पूरा देश भुगतेगा। अब थोड़ी सी आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करते हैं। मैंने आपकी कहानी पढ़ी चुन्नी, तो चुन्नी अब तो बड़ा हो गया होगा, वयस्क हो गया होगा। कोई कोई एक चुन्नू तो है नहीं दोस्ती जी, आप जानते हैं हमारे देश में कितने चुन्नू हैं, और उनकी जो मन की भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, वो मैं सामाजिक कार्यों में भी हूँ तो मुझे बच्चों और महिलाओं से मिलने का मौका मिलता रहता है, तो ऐसे जब चुन्नू को देखती हूँ तो उसके लिए ही हमने बा बापू पाठशाला शुरू किया है, जो लगभग देश में 30 जगहों पे चल रहा है, जिसमें सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं या जो कहीं नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए 3 घंटे का वो पाठशाला चलाया जाता है। बिहार में भी है, यूपी में भी है, उड़ीसा में भी है, और मध्य प्रदेश में भी चलाने की बात भी चल रही है। तो उसमें बच्चों को उस बाबा को पाठशाला में कोशिश है कि उन बच्चों को चुन्नू की तरह बर्तन न धोने पड़े, वो पढ़ाई करें और अपनी जो उनकी जो बाल्य अवस्था है उस पर जो उनका हक है वो उनको, जो हम लोगों के ऊपर भी उनका ऋण है और उस समाज का कर्तव्य है, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, तो उस चुन्नू जैसे बच्चों के लिए यह काम शुरू किया गया है पिछले 6 सालों से, और आशा है आने वाले दिनों में हम लोगों की योजना तो थी कि 150वीं जयंती पर 150 बा बापू पाठशाला खुले, लेकिन कोरोना के मारने और थोड़ा शिथिलता ला दी है, आगे आने वाले दिनों में शायद ऐसा कुछ हो पाए, इसकी कोशिश होगी। जी बिल्कुल सही है। आपने आपके फेसबुक पे मैंने देखा कि मोहन कुमार है, वो HIV ग्रसित है, तो हमारे बांसवाड़ा के पास में ही चित्तौड़ है, वहाँ है, तो क्या उसका बारे में अभी क्या अपडेट है? जी, ये वो एक बच्चा है, मोहन नाम है उसका, और वह उसके माता पिता दोनों एड्स उसमें चले गए और वो अनाथ हो गया था, तो मेरे पास उसके मौसा मौसी छोड़ गए। मेरे स्कूल्स भी हैं, CBSE स्कूल है, गाँव में चलते हैं, तो उस बच्चे को वहाँ पे मैंने एडमिशन कराया, और लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया कि उस बच्चे को कसम कैसे, उसके माँ पिता की मृत्यु हुई थी इसे मुझे किसी ने बताया नहीं, और पढ़ाई कर रहा था जब उसका एड्स वो निकला, HIV पॉजिटिव निकला, तो फिर उसके पढ़ने की व्यवस्था करने की ज़रूरत हुई, तो कुछ दिनों के लिए पहले गुड़गांव में एक स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर सरकार ने वहाँ से सुविधा हटा ली, 14 आ चुका था और सुविधाएँ हटाई जा रही थी इस तरह, तो फिर उसके बाद मैंने विजयवाड़ा में एक स्कूल है, वो बहुत अच्छे स्कूल थे, उसमें 100 HIV पॉजिटिव बच्चे रहते थे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी,
तो वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा था, एक दिन वहाँ के बारे में भी हुआ कि वहाँ भी वहाँ सब वहाँ से भी वो सुविधा सरकार के द्वारा हटा ली गई। तब मैं बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे क्या करूँ। उस समय राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बारे में पता चला, और जब मैं यहाँ के लोगों से बात किया तो इन लोगों ने, मैं कल्पना भी नहीं की थी जिन लोग उन लोगों ने इतने समर्थन में आए और किस तरह से मैं वहाँ आऊँ और किस तरह से उस बच्चे को भेजूँ, और उन लोगों का पूरा समर्थन है। आज वो बच्चा, अभी कल ही उससे बात हुई है, वो क्लास 4th में पढ़ता है और मैं उससे मिलने भी गई थी अप्रैल महीने में। स्वस्थ है, अच्छा है, और दवा वगैरह तो उसका उसी समय से चल रहा है। तो वो इसी घर को अपना घर मानता है और मैं भी सोचती हूँ कि अब यही उसका घर है। तो छुट्टियों में वृंदावन में मेरा एक छोटा सा महिला आश्रम है, तो उस समय भी दीपावली में वहीं रहूँगी और दीपावली को मैं उसकी छुट्टियाँ होंगी तो वो मेरे पास वृंदावन आएगा। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, अभी वो पढ़ता है, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो और मैं पूरी कोशिश करूँगी कुछ बन जाए, और ईश्वर करे इस बीमारी का कोई इलाज निकल आए तो उसके जैसे और बहुत सारे मोहन जो हैं वो उससे मुक्त हो पाएंगे। आजकल जो डॉक्टर साहब नफरत का वातावरण है, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये क्या है, हमारे पास में भी 5-4 मिनट है, तो मैंने कहा क्या संदेश देना चाहते हैं इस वातावरण में, जो कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है धार्मिक रूप से और नफरत बहुत बढ़ रही है, और हर तरह से ये हो गया है कि लोग आपस में बट रहे हैं एक दूसरे से, और लगता तो ऐसा है जैसे बहुत बड़ा गुब्बारा फुला दिया है, लेकिन वास्तव में वो गुब्बारा तो कभी भी फट सकता है जिसमें। तो ऐसे में जो ये वातावरण है नफरत का, उसमें क्या संदेश देना? जी, मैं जब बातें करती हूँ, आप लोग भी जब करते होंगे, तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा किया गया था, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा किया गया था। तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि पाकिस्तान ने जो ऐसा किया उसके बदले में पाकिस्तान को मिला क्या, और हिंदुस्तान ने जो अपने को धर्मनिरपेक्ष रखा और लोकतंत्र की बुनियादी मजबूत की, तो आज हिंदुस्तान को क्या मिला? तो हम दोनों का सामने है हमारे, तो नफरत करने वाले टूटते हैं, नफरत करने वाले गर्त में जाते हैं, ये हमने देखा है। अब हमारे सामने रास्ता है कि हम किस पर चलें। यदि वो नफरत कर वह देश बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, तो आदर्श बन सकता था आपके लिए, हमारे लिए तो शायद कभी ना बनता। वो प्रतिष्ठा हासिल करता भी तो भी नहीं बनता, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कुछ दिनों की बात है, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जो आप संदेश देने की बात करते हैं, तो मैं तो संदेश नहीं, प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, इतना समझिए कि सबको आपके राम जी ही ने बनाया है। क्या राम जी केवल हिंदुओं को बनाया, दूसरे धर्म वालों को बनाने के लिए दूसरे दूसरे ईश्वर हैं, दूसरे देवी देवता दूसरों को बना रहे हैं? आपके राम जी इतने सीमित हैं, आपके राम जी को उन लोगों को बनाने की शक्ति नहीं है? तो सबको तो आपके ही राम जी ने बनाया है, तो इसका मतलब सब आपके राम जी के ही बच्चे हैं। आप जिसके भी प्रहार करते हैं वो राम जी के ही बच्चे हैं। और जब आप हे राम तो आप कहते नहीं, श्री राम कहकर, जब महा बजरंगबली कहकर, जब आप उन पर नफरत करते हैं, आप उन पर प्रहार करते हैं, तो सबसे अधिक वेदना, सबसे अधिक दुख यदि किसी को पहुंचता होगा तो वह श्री राम को ही पहुंचता होगा, क्योंकि आप उनकी दूसरे बच्चे जो हरे रंग के कपड़े पहन रहे हैं या सफेद रंग के कपड़े पहन रहे हैं, तो उनको आप उनसे नफरत करते हैं, तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप नफरत की बातें छोड़ें, आप लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़ें, आप एक कार्यक्रम को लाएं, तो हमारा देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। सभी पार्टियां कार्यक्रम लाएं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर जो नफरत फैलाया जाएगा, उससे सिर्फ देश कमजोर होगा, और देश कमजोर होगा
तो आप हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारे विषय पे बहुत स्पष्ट बातचीत हुई है, स्पष्टता से आज की जो प्रासंगिक प्रश्न है उनके ऊपर आपने बड़े स्पष्टता से उत्तर दिए। मुझे लगता है कि अगर लोग जो भी इसको वार्ता को सुनेंगे तो बहुत सारे उनके कंसेप्ट है वो जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होगी और हमारा जो गांधी दर्शन को जन जन तक वापस से पहुँचाना है या और मजबूत करना है उसमें बहुत मदद मिलेगी। आपका इस वार्ता के लिए, संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।